नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम करना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजाला फैलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। आपने मोदी जी को 18 सीट देकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये ममता दीदी को निमंत्रण भेजा गया था, भतीजे को भी भेजा गया था, परंतु वो लोग नहीं गए। आपको मालूम है क्यों नहीं गए? मालूम है दुर्गापुर वालों? मैं बताता हूं, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन सी है मालूम है ना आपको? है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक घुसपैठ कर जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक है, इससे ममता दीदी डरती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जिन्होंने वोट बैंक के डर से राम का बहिष्कार करा, दुर्गापुर वाले उनको वोट डाल सकते हैं क्या? जोर से बोलो, डाल सकते हैं।